कश्मीर के नसीराबाद में कोरोना का कहर थमने का नाम नहीं ले रहा। आपको बता दें कि शहर के राजनारायण रोड निवासी एक युवक के कोरोना पॉजिटिव मिलने की सूचना के बाद इलाके में दहशत फैल गई। गौरतलब है कि नसीराबाद के 3 पॉजिटिव मरीजों का इलाज अजमेर में जारी है। अब एक हफ्ते के बाद पुनः कोरोना पॉजिटिव मिलने से प्रशासन में हड़कंप मच गया। हालांकि प्रशासन ने पूरे क्षेत्र में कर्फ्यू लगा दिया है और संक्रमित युवक को 108 के जरिए अजमेर भी शिफ्ट किया गया। इसके बाद राजनारायण रोड को पूरी तरीके से सैनिटाइज करवाया गया और साथ ही में परिजनों के सैंपल्स लेकर उन्हें होम क्वारंटीन किया गया। अजमेर के नसीराबाद से आपको खबर बता रहे हैं, यहां पर भी कोरोना का जो संक्रमण है वो लगातार बढ़ता जा रहा है। राजनारायण रोड वो क्षेत्र बताया जा रहा है जहां से ये युवक कोरोना संदिग्ध पाया गया। उसे अब इलाज के लिए भेज दिया गया है। साथ ही में उसे भेजने के बाद में पूरे इलाके को, पूरी कॉलोनी को यहां पर सैनिटाइज किया जा रहा है। आप तस्वीरों में देख सकते हैं, उसके बाद में उसके परिवार वालों के सैंपल्स लिए गए और उन्हें उसके बाद में होम क्वारंटीन अब कर दिया गया है। लगातार जो दायरा है वो अजमेर में भी बढ़ता जा रहा है। बीते कुछ दिनों से यहाँ पर राहत थी, लेकिन एक बार फिर से कोरोना पॉजिटिव केसेस मिलने के बाद में अब यहाँ पर फिर से जो स्थिति है वो गर्माने लगी है। हालांकि प्रशासन ने पूरी क्षेत्र को यहाँ पर सैनिटाइज किया इस केस के मिलने के बाद में। तस्वीरों में देख सकते हैं आप, और जो पूरे राजस्थान का असर है, प्रदेश का जो असर है, कोरोना का जो संकट है वो अजमेर में भी देखने को मिल रहा है। अजमेर के नसीराबाद में ये युवक कोरोना का पॉजिटिव पाया गया। प्रशासन ने क्षेत्र को सैनिटाइज करवाया, उसे 108 एम्बुलेंस की सहायता से शिफ्ट किया गया इलाज के लिए। और अधिक जानकारी के साथ मेवन संवाददाता जावेद खान फोन लाइन पर जुड़ चुके हैं। जावेद, क्या ये पूरा मामला रहा, किस क्या इस युवक की कोई ट्रैवल हिस्ट्री थी और किस प्रकार से संक्रमित हुआ ये? हेलो जावेद, क्या सुन पा रहे हैं आप मुझे? हेलो जावेद, आपको मेरी आवाज आ रही है? जावेद, क्या आप मुझे सुन पा रहे हैं? आवाज थोड़ी डिस्टर्ब। फिर से लौटेंगे एक बार आपके पास में। नसीराबाद से आपको खबर बता रहे हैं हम, युवक यहां पर कोरोना का पॉजिटिव पाया गया है और कोरोना के पॉजिटिव मिलने के बाद में यहां पर इलाके में जो दहशत है वो बढ़ चली है। तस्वीरों में देख सकते हैं आप, ये वही क्षेत्र है जहां से, वही कॉलोनी जहां से युवक कोरोना पॉजिटिव पाया गया, राजनारायण कॉलोनी नसीराबाद की बताई जा रही है। युवक के पॉजिटिव मिलने के बाद में उसे 108 एम्बुलेंस की सहायता से उपचार के लिए शिफ्ट कर दिया गया है। हालांकि और उसके बाद पूरे क्षेत्र को यहां पर सैनिटाइज किया गया, स्वास्थ्य कर्मियों के द्वारा सैनिटाइजेशन का कार्य बदस्तूर जारी है। उसके बाद परिवार वालों के सैंपल्स लिए गए, एहतियात के तौर पर उन्हें भी होम क्वारंटीन कर दिया गया। और एक बार फिर से वन संवाददाता जावेद खान जुड़ चुके हैं अधिक जानकारी के साथ में। जावेद, क्या मुझे सुन पा रहे हैं आप? जी मैडम, बोलिए। जी, मैं आपसे जानना चाहूंगी कि जो नसीराबाद का ये केस सामने आया, क्या इस युवक की ट्रैवल हिस्ट्री रही कोई, या फिर किस प्रकार से ये जो संक्रमित युवक पाया गया है क्या इसके पीछे कारण रहा और फिलहाल क्या स्थिति है पूरे क्षेत्र की? मैं आपको बता देता हूँ कि नसीराबाद में पिछले शुक्रवार को 3 कोरोना पॉजिटिव मिले थे, जिनका उपचार अभी अजमेर चिकित्सालय में जारी है। लेकिन कल ही नसीराबाद में कर्फ्यू हटाने की बात प्रशासन द्वारा चल रही थी, लेकिन देर शाम एक कोरोना पॉजिटिव और मिल जाने से शहर में एकदम आशा तफरी का माहौल हो गया और प्रशासन ने पूरी तरह से जहां पर कोरोना पॉजिटिव मिला वहां पर पूरे क्षेत्र को सैनिटाइज कराया गया और पूरी तरह सील पैक कर दिया गया। जी, तमाम जानकारी के लिए बहुत शुक्रिया।